বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বম ভক্তবৃন্দসমন্বিতম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম শ্রীনন্দনন্দন বন্দে রাধিকা চরণোদয়ম গোপীজন সমায়ুক্তম বৃন্দাবনম মনোহর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে নতে বিদুষার্থ গোতি বিষ্ণু দুরাশয়া যে বহিরর্থমান অন্ধায়থন্ধৈরুপনীয়মান তেয়োপি সিচতন্তমুরুদাম নিবাধ্যা গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জি নে বতায়ে আগর হামারা সামনে হামারা কোই রক্ষাকর্তা নহি হ্যায় পারসেপ্টর রক্ষাকর্তা আগর হামারা সামনে কোই নহি হ্যায় রক্ষা করনে ওয়ালে ইয়ে সারাউন্ডিং পরিবেশ হামারা বিরুদ্ধ রূপ পাকড় করকে হামারা উপর আক্রমণ করনে মে লগ জায়েঙ্গে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ये जड़ जगत में है कोई किसी का अनुगत नहीं करना चाहता है लेकिन अपराकृत जगत में एक आश्चर्य विषय है वी वांट टू बी रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव गुरु वैष्णवों के द्वारा नियंत्रित होने के लिए शासित होने के लिए आए हैं शिष्य ये शब्दों का उत्पत्ति भी हुआ है शास धातु से शासन माने तो साधु शिष्य नहीं तो शिष्य हो ही नहीं सकता प्रह्लाद महाराज का कहना है ये जो श्लोक दे के शुरुआत किया वो बाद में हम थोड़ा टच करके ख़त्म करेंगे समय बहुत स्वल्प परिसर दिया गया भागवत जी महापुराण में और एक सुंदर प्रसंग है স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপি উত বড়া গুপ্ত চিজ হ্যা যো বাস্তব শিষ্য হ্যা যো বাস্তব শিষ্য হ্যা জিসকা গুরুচরণ মে শরণাগতি সত পারসেন্ট হন্ড্রেড পারসেন্ট সিদ্ধ হুয়া হ্যা উসকা বারে মে এক সুন্দর শ্লোক বোলা গয়া ভাগবত মে স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপি উত গুপ্তাতিগুপ্ত বহুত গুপ্ত সিক্রেট ভজন কা যো বাতে হ্যাঁ গুরুজি স্নিগ্ধ শিষ্য কা হৃদয় মে কৃপা কে দ্বারা সঞ্চারিত কর দেতে হ্যাঁ বট নাও পয়েন্ট ইজ দ্যাট হু ইজ স্নিগ্ধ শিষ্য কোন স্নিগ্ধ শিষ্য হ্যায় স্নিগ্ধ শিষ্য কোন হ্যাঁ ইসকা পহচান কিয়া হ্যায় হাম ভি বোল সকতা হাম স্নিগ্ধ শিষ্য এ ভি বোল সকতা স্নিগ্ধ শিষ্য ইসকা পহচান কিয়া হ্যায় বট ইজ দ্য ডকুমেন্ট ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ছোড়কর পৃথিবী মে কোই আচার্য ইতনা ডাইরেক্টলি দিখায়া নহি তত্ত্ব কো প্রভুপাদ জি নে বতায়ে জব দেখোগে শিষ্য কা হৃদয় মে গুরুজি কা আচার আচরণ আদর্শ সিদ্ধান্ত ইন টোটো হন্ড্রেড পারসেন্ট হৃদয় মে আ গিয়া মানো কি ইয়ে লগতা হ্যায় শিষ্য দেখো তো লগতা হ্যায় গুরুজি কা ইয়াদ আছে এ কিসকা শিষ্য হ্যায় গুরুজি কা জিতনা সারে সিদ্ধান্ত বিচার আচার আদর্শ জিতনা সারে সব কুছ এভরি এটিকেসি
इन टोटो जब शिष्यों का हृदय में प्रकटित हो जाता है, पौपा जी ने 100% बताया, नो इट फॉर श्योर, निश्चित जानना, ये निस्निग्ध शिष्य है। बाकी दुनिया का आदमी जितना सारे लाभ प्रचार प्रतिष्ठा मिले, दैट इज नॉट द यार्डस्टिक, ये मानदंड नहीं है, इसके द्वारा मापा जाए कि कितना बड़ा वैष्णव कौन हुआ है, ये मानदंड नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बताते थे, जब तक गुरुचरण में, सदगुरु चरण में 100% शरणागति सिद्ध जब तक ना हो जाए, वो शिष्य का हिम्मत नहीं होगा अप्राकृत जगत का अकैत्व एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में बताए। जब तक 100% शरणागति सिद्ध ना हो जाए, उसका हिम्मत ही नहीं होगा इतना कट्टोर वाणी सामने रख दे, क्योंकि आचरण अगर कम है, मायादेवी एक लात लगाएगा, भाग यहां से, मायादेवी लात लगा के फेंक दे, तेरा क्या हिम्मत है जे ये सब बात बताया। एब्सोल्यूट के बारे में जरूर बात करना चाहिए, इस बारे में समय दिया जाए तो चर्चा कर सकता है, गुरु वैष्णव का कृपा अगर मिले। पौपा जी ने बताया बार बार, ये भक्ति विनोद धारा को, भक्ति विनोद धारा को हमारा रोजाना संकीर्तन आदि हरिकथा कीर्तन में संजीवित रूप में रखना चाहिए। भक्ति विनोद धारा से हम जरा सा भी टिल्ट हो गया, डिवेट हो गया, तो जरूर ये समझ लेना, आज नहीं तो काल मेरा पतन, समाज का प्रतिष्ठा मेरा भजन का प्रमाण नहीं है। समाज में आदमी हमको बहुत प्रतिष्ठा दे सकता, माला दे सकता, हमारा प्रणामी चढ़ा सकता, लेकिन आम आदमी इतना बूका है, दे आर सो फूल, ये सोच भी नहीं सकता कि देखो एक सच्चा महात्मा आचरण के द्वारा तेजियान हरिकथा कीर्तन को जन समाज में निष्कपट रूप से स्थापन करते हैं, और बाकी आदमी चिढ़ जाते हैं जिसका इच्छा नहीं कि ये सब बात चर्चा हुए, वो लोगों का इच्छा नहीं है ये सब क्यों चर्चा हो रहा है, दूसरा बात बताओ। लेकिन एब्सोल्यूट का बारे में जब चर्चा एक साधु करते हैं, आप अगर इंटेलिजेंट है सोच के देखना, ये साधु अगर मीठा बात बोलते, सब कोई का सम्मान तो अंदर में है ही है, नहीं तो एब्सोल्यूट के बारे में बताने का कोई हिम्मत ही नहीं होगा। सही से वैष्णव धर्मो सवारे प्रणति बोलने में बहुत अच्छा लगता है, क्या प्रमाण है जो केशव गोस्वामी महाराज के अंदर में शरणागति नहीं था, यू आर मोर हम्बल देन केशव गोस्वामी, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट, क्या प्रमाण है जो संतो गोस्वामी इतना कट्टोर बोलते थे उसके अंदर में तीनादपी नहीं है, यू आर तीनादपी फुलिश, इतना बोका है, मूर्ख है, जानते नहीं। विचार तो ये है, जो इतना कट्टोर वाणी बोलते हैं उसका हृदय में तो ज्यादा प्रेम है कि बद्धजीवों को कैसे बचाया जाए, उठा थोड़ा मीठा वाणी बोले तो प्रणामी का ढेर लग जाएगा, तो कितना सेक्रीफाइस है एक पक्का साधु का, वो ये सब उपेक्षा करके, माला प्रतिष्ठा पैसा सब उपेक्षा करके एक्चुअल मेडिसिन दवा दे रहा है, और उसका पीछे सब लग रहा है ये क्रिटिसाइज कर रहा है, इडियट नंबर वन, सब पुलिस जानता नहीं कोई। साधु गुरु वैष्णव का हृदय में इतना भी गंदगी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि चर्चा करना शुरू कर दे, उसका टाइम नहीं है भजन करने का, वह जीवन जिंदगी देखो के सारा जिंदगी प्रभुपाद का सिद्धांत तो, भक्ति विनोद ठाकुर का सिद्धांत तो स्थापित करने के लिए जीवन जिंदगी को निछावर कर दिया, स्टिल दे आर क्रिटिसाइजिंग, हाउ फनी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दुख करके बताए, ये हा कितना कष्ट की बात है, जो गुरु वैष्णव कठोर सिद्धांत आचरण के द्वारा जगतवासी के हृदय में जितना माया है, माया को काट करके स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित करने का चेष्टा में लगे हुए है, अरे ये लोगों का पीछे ये लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं,
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि बड़ा दुखी बात है जो साधु गुरु वैष्णव इतना कठोर वाणी बोल के माया को काटने का कोशिश कर रहे और उसको ही गाली दे रहा है, भगा रहे, भागो तुम्हारा जाए, तुम वैष्णव नहीं हो। कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, हु कैन पास जजमेंट, कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है इसका जजमेंट कौन देगा। माया में उलझे हुए जो आदमी लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो विचार करेगा क्या ये वैष्णव है ये नहीं है, बिकॉज हिज हार्ट इज मैचिंग विथ मी, इसका हृदय मेरा साथ मिलता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, रजस्तम प्रकृतयो समशिला वयंती वही भागवत में है। हिम्मत क्या है, दिन पे दिन हालत गिरते जा रहा है। जीव गोस्वामी पाद जी ने रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी जो विश्व वैष्णव राज सभा किया उसका उद्देश्य क्या था, समय दिया जाए तो बाद में चर्चा होगा, नहीं तो घंटी पर गया और क्या, खाओ पियो मौज लो। वांछा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानं पावनं भविष्य भ्यो नमो।